जानवर जिन्हें बहुत से लोग प्यार करते हैं और शायद आप भी करते होंगे। इनमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा जानवर है कुत्ता। ज़्यादातर देखा गया है कि डॉग्स मनुष्य के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। यह उनकी सभी बातें मानते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और मनुष्य भी इनके साथ घुल मिलकर रहते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने मनुष्यों को स्पेस में भेजने के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट डॉग्स पर ही किए हैं। इनमें एक डॉग थी लाइका। लाइका सभी जानवरों में सबसे पहली जानवर थी जिसने स्पेस मिशन किया था। 1957 सोवियत स्पेस प्रोग्राम के सहारे स्पूतनिक 1 स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और यह सफल रहा। परंतु इसमें कोई भी जीवित प्राणी नहीं था, इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि किसी जीवित प्राणी को अंतरिक्ष में भेजा जाए। निकिता खुरुश्चेव जो सोवियत लीडर थी, वह अक्टूबर रिवोल्यूशन की 40वीं जयंती 7 नवंबर 1957 पर एक जीवित प्राणी के साथ मिशन लॉन्च करना चाहती थी, जिस पर पहले से ही काम शुरू हो चुका था, जिसका नाम स्पूतनिक 2 रखा गया। स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए केवल 4 हफ्तों का समय बचा था। इसका डिजाइन खास तौर पर एक डॉग के लिए किया गया था, जिसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर, ऑक्सीजन जनरेटर और जानवर को ठंडा रखने के लिए एक पंखे का इस्तेमाल किया गया था। इसमें 7 दिन के लिए डॉग के लिए खाना और ऑक्सीजन था। उसका केबिन इतना छोटा था कि उसमें जानवर घूम फिर भी नहीं सकता था। इसी तरह से स्पूतनिक 2 का डिजाइन किया गया था। यान का काम पूरा हो चुका था और एक जानवर की ही जरूरत थी, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने आवारा कुत्तों को चुना, क्योंकि उनमें ज़्यादा भूख सहने की अक्षमता होती है और इसलिए उन्होंने एक आलसी कुत्ते को चुना जो थी लाइका। अब लाइका की ट्रेनिंग शुरू हुई। स्पूतनिक 2 का कैबिन बहुत छोटा था, इसलिए लाइका को 20 दिन एक छोटे से डिब्बे में बंद करके रखा गया, ताकि उसे स्पूतनिक 2 के कैबिन में रहने की आदत हो जाए। कुछ समय बाद लाइका की ट्रेनिंग खत्म हुई। अब लाइका स्पेस में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उस समय वैज्ञानिकों को स्पेस में जाने का तो पता था, परंतु वापिस आने का नहीं। एक तरह से यह मिशन आत्महत्या वाला मिशन था। लाइका को चैन से बांधकर स्पूतनिक 2 में डाल दिया गया और उसे 3 दिन तक उसमें रखा गया, ताकि उसे सिचुएशन में रहने की आदत हो जाए। और 3 नवंबर 1957 को स्पूतनिक 2 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, पर स्पूतनिक 2 का एक हिस्सा रॉकेट से अलग नहीं हो पाया, इसलिए स्पूतनिक 2 का टेम्परेचर बढ़ने लगा। कुछ समय बाद टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था, इसी के कारण लाइका की मौत हो गई। इससे यह बात पता चलती है कि लाइका मौत के समय कितनी ज़्यादा तड़पी होगी। उसकी मौत के बाद स्पूतनिक 2 लगातार 162 दिन तक पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा और इसने पृथ्वी के 2570 चक्कर लगा लिए थे। और 14 अप्रैल 1958 में स्पूतनिक 2 धरती के वायुमंडल में आते ही मरी हुई लाइका के साथ जलकर खत्म हो गया। 2008 में लाइका के सम्मान में सरकार ने एक मूर्ति स्मारक बनाई। यह स्मारक वहीं बनाई गई जहां लाइका को ट्रेनिंग दी गई थी। हमें लाइका के इस बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और एक कदम अंतरिक्ष की ओर।